जय श्री राधे राधे। आप सबका स्वागत है लाडली कानू चैनल में। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सबको एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है पापान कुशा एकादशी, तो चलिए आज जानते हैं कब से स्टार्ट है और कब ख़त्म होने वाली है। तो पापान कुशा एकादशी कल यानी कि 5 तारीख से स्टार्ट हो गई थी 12 बजे से, और आज यानी कि 6 अक्टूबर को मॉर्निंग में ही ख़त्म हो जाएंगी। मॉर्निंग में यानी कि 9:37 तक ये लगभग ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन उदय तिथि होने के कारण ये आज ही यानी कि 6 अक्टूबर को ही मनाई जा रही है। तो चलिए हम इसकी कथा सुन लेते हैं, कि बहुत ही प्यारी सी कथा है। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह क्रूर स्वभाव का था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति, पाप कर्मों में ही व्यतीत हुआ करा था। जब तक अंत समय में यमराज के दूत बहेलिया को लेने आए और यमदूत ने बहेलिया से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, कल हम तुम्हें ले जाएंगे। ये बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा। बहेलिया ने ऋषिवर से कहा, मैंने सारा जीवन पाप कर्मों में ही व्यतीत कर दिया है, कृपया कर मुझे ऐसा कोई उपाय बता दीजिए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर अंगिरा ऋषि ने उसे आश्विन शुक्ल पक्ष की पापान कुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिया ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया। और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के दूत ने इस चमत्कार को देखा तो वो बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। ये थी बहुत ही प्यारी सी पापान कुशा एकादशी की व्रत कथा, जिससे बहेलिया का उद्धार हो गया है। आप सब भी एकादशी व्रत जरूर करें और अपने जीवन में पुण्य की कमाई करें। जय श्री राधे राधे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।